आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजगंज शमशाबाद रोड श्यामो में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान के ताले चटका दिए। ताले चटका कर चोर ज्वेलर की अलमारी उठाकर ले गए। ऐसा बताया गया है कि अलमारी में सोने चांदी की जेवरात के साथ नकदी भी थी। थाना ताजगंज शमशाबाद रोड श्यामो में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में हाथ दिखा दिए। श्यामो में ज्वेलर्स की दुकान राजा मंडी पुनियापाड़ा के रहने वाले सुभाष वर्मा चलाते हैं। सुभाष वर्मा को फोन से चोरी की जानकारी दी गई। दुकान खोलकर देखी, दुकान में से अलमारी गायब थी। ऐसा बताया गया है कि अलमारी में सोने चांदी की ज्वेलरी के साथ नकदी भी थी। मैं सुबह शाम को 7:45 बजे भाड़ा के गया दुकान, मेरे को ताले टूटे हुए मिले हैं इधर से। और कैसे जानकारी मिली आपको? मेरे को सुबह फ़ोन आया था, सुबह आपके ताले टूट गए हैं। तो मैं भाग के आया, तुरंत आने के बाद देखा कि ताले टूटे हुए थे, अलमारी गायब थी मेरी यहाँ से। और उसमें कुछ उसमें अलमारी रखी हुई थी, उसमें क्या क्या था? उसमें सामान रखा हुआ था चांदी सोने का। अच्छा। और पैसे भी थे, वो सब गायब मिला है। पूरी अलमारी ले गए। कितने की ज्वेलरी वगैरह ले गए? करीब 1.25 लाख की। पुलिस आई थी, तहरीर भी दे दी, सब कुछ। जिस तरीके से चोर अलमारी उठाकर ले गए, उससे साफ हो जाता है कि चोर बड़ी गाड़ी लेकर आए थे। चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है। इलाके के सभी दुकानदार दहशत में आ गए हैं। सुभाष वर्मा ज्वेलर्स की दुकान में चोर हाथ दिखाते हैं, शटर के ताले काटते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और पूरी अलमारी उठाकर ले जाते हैं। ऐसा बताया गया है कि अलमारी में सोने चांदी के जेवरात के साथ नकदी भी थी। चोर बेहद सातिर थे, पूरी अलमारी उठाकर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया। देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों का पता लगाती है। बहरहाल इस चोरी की वारदात के बाद आसपास के दुकानदार भी दहशत में आ गए। जिस तरीके से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, उससे अन्य ज्वेलर्स भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने साथी इकबाल के साथ श्यामो से राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।